हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। सो गाइस, समर की और फॉल के इनटेक की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अभी न्यू फाइलिंग स्टार्ट करानी है, जो रेफ्यूज़ल ले चुके हैं, जिनको रेफ्यूज़ हो चुके हैं और जिनको वापस स्टार्ट कराना है, या लो रैंक यूनिवर्सिटी में अपने अप्लाई कर दिया था बाई मिस्टेक और अब वापस आप अच्छे से करवाना चाहते हो, तो हम उन यूनिवर्सिटीज़ में डील करते हैं जिनकी अच्छी वीज़ा एक्सेप्टेंस है और अच्छी यूनिवर्सिटी हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं। तो इसके लिए आपको देखो, आपकी खुद की फाइल भी प्रॉपर होनी चाहिए, नॉर्मल बेसिक फाइल होनी चाहिए, तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपकी बैचलर्स या जो भी डिग्री है उसके 2-3 अलावा होनी चाहिए, नो बैकलॉग सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट भी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं कि एक दो एलॉट भी हो सकते हैं, एक एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है, एंड इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी होता है, क्योंकि देखो अच्छी यूनिवर्सिटीज हमेशा इंग्लिश टेस्ट मांगती हैं, मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, डुओलिंगो भी चल जाएगा, पीटी, आईएलटीएस वगैरह। और जो अगर आप मुझे बोलते हो कि बिना उसके नहीं हो सकता, हो जाता है, बट लेकिन लो रैंक यूनिवर्सिटीज हमेशा आपको बिना इंग्लिश टेस्ट के ही I-20 देती हैं, एंड इनके वीज़ा कम लगते हैं और बाद में जाके प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको ईजिली आप मिल जाएंगे, एलओआर और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। दूसरे इंग्लिश टेस्ट के लिए आप 15 डेज भी अगर प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी है, डुओलिंगो तो 2 दिन में हो जाता है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ये फाइल कंप्लीट करो। आपको समर और फॉल के लिए जहाँ भी आपको अप्लाई करवाना है मैं अप्लाई करवा दूँगा, आप मुझे DM कर सकते हो फॉर एनीथिंग, स्लॉट्स, फाइलिंग, इंटरव्यू क्लासेस, एनीथिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।